भारतीय शेयर बाजार आज 20 अगस्त को मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 378 अंकों की उछाल आई, वहीं निफ्टी भी 24,700 के पार पहुंच गया। इस तेजी के चलते निवेशकों की आज दिनभर में करीब 2.18 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों से मार्केट सेंटीमेंट बेहतर हुआ। हालांकि आखिरी घंटे में हुई बिकवाली ने इंट्राडे की बढ़त को कुछ हद तक खत्म कर दिया। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स क्रमांश 0.98% और 0.52% बढ़त के साथ बंद हुए। एफएमसीजी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 378.18 अंक या 0.47% की तेजी के साथ 80,802.86 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 126.20 अंक या 0.51% की बढ़त के साथ 24,698.85 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 19 अगस्त को बढ़कर 456.57 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 19 अगस्त को 454.39 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.18 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 21 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि सुबह के कारोबार में शुरुआती तेजी के बाद निफ्टी दिन के बाकी समय में सीमित दायरे में घूमता रहा। 126.20 अंकों की बढ़त के साथ 24,698.85 पर बंद हुआ। एफएमसीजी और मीडिया को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टर बढ़त के साथ बंद हुए। बैंकिंग इंडेक्स टॉप गेनर रहा, उसके बाद आईटी इंडेक्स दूसरे नंबर पर रहा। ब्रॉडर मार्केट के प्रदर्शन में भिन्नता देखने को मिली, जहां मिड कैप ने बेहतर प्रदर्शन किया, वहीं स्मॉल कैप कमोबेश बेंचमार्क इंडेक्स के साथ तालमेल करते दिखे। एक बुलिश कैंडल के साथ निफ्टी ने अपने बेयरिश गैप जोन को भर दिया और अब 24,870 की ओर बढ़ रहा है, जबकि नीचे की ओर सपोर्ट 24,590 की ओर शिफ्ट हो रहा है। प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख का कहना है कि निफ्टी 24,800 के अगले लक्ष्य के लिए आगे बढ़ सकता है। छोटे मझोले शेयर भी बेंचमार्क इंडेक्स को सक्रिय रूप से सपोर्ट दे रहे हैं। सेंसेक्स ने एक बार फिर मजबूती हासिल कर ली है और 80,200 के 20 डे लेवल से ऊपर कारोबार करता देख रहा है। अब बाजार के लिए 80,000 और 24,000 के स्तर पर सपोर्ट और 81,000 और 24,700 के स्तर पर तत्काल रेजिस्टेंस दिख रहा है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार का कहना है कि लगातार 8 दिनों की बढ़त के साथ अमेरिकी बाजार सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, जिससे ग्लोबल तेजी जारी रह सकती है। सितंबर में फेड द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती किए जाने की पूरी उम्मीद है, जिसके बाद इस साल ब्याज दरों में 2 और कटौती की जाएगी। इससे ग्लोबल स्तर पर और भारत में भी इक्विटी बाजारों को सपोर्ट मिल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि एफआईआई भारत में बिकवाली जारी रख सकते हैं, क्योंकि दूसरे उभरते बाजारों का वैल्यूएशन अपेक्षाकृत आकर्षक है। ऐसे में बड़ी पूंजी वाले फाइनेंशियल शेयर्स, जिसमें एफआईआई की बड़ी हिस्सेदारी है, दबाव में बने रह सकते हैं। खास बात यह है कि वैल्यूएशन के नजरिए से फाइनेंशियल सेक्टर सबसे आकर्षक सेक्टर है। भले ही डिपॉजिट के लिए संघर्ष के कारण इसके लिए भावनाएं नकारात्मक बनी हुई हैं, ऐसे में जब भी स्थितियां बदलेंगी तो फाइनेंशियल सेक्टर में तेज उछाल की संभावना है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि निफ्टी 24,600 से ऊपर बने रहने के बाद 24,700 से ऊपर चला गया। जब तक ये 24,600 से 24,650 की रेंज से ऊपर रहेगा, तब तक तेजी जारी रहने की संभावना है। 24,600 से नीचे की गिरावट मौजूदा तेजी के रुझान को उलट सकती है। वहीं ऊपर की ओर निफ्टी 24,840 से 24,860 की ओर बढ़ सकता है।